फ्यूचर ग्रुप को बेचने की वजह का किशोर बियानी ने किया खुलासा। कहा कोविड-19 से 7,000 करोड़ के नुकसान के चलते रिलायंस को बेच दिया। इस साल के अंत तक देश के स्टार्टअप सिस्टम दे सकते हैं 7.5 लाख रोजगार। सुधर रहे हैं स्टार्टअप्स के आर्थिक हालात। बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ में लगातार छठी तिमाही में आई कमी। जून तिमाही में क्रेडिट ग्रोथ लगभग 6%। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मौजूदा कारोबारी साल में अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ का रिफंड जारी किया। 38 लाख करदाताओं को मिला फायदा। OnePlus 8T भारत में लॉन्च। 43,000 के फोन में 4 रियर कैमरा। इस बार के फेस्टिव सीजन में घरों की बिक्री में 35% बढ़ोतरी का अनुमान, एक रिसर्च में दावा। 5,718 करोड़ की लागत से स्कूली शिक्षा बनेगी बेहतर। स्टार्स प्रोजेक्ट को सरकार ने दी मंजूरी। एक्सपोर्ट पर बैन से देशभर में बढ़ रहा है लौह अयस्क का भंडार। फिमी का दावा, इस्तेमाल ना होने से होगा नुकसान। गोवा में माइनिंग शुरू करने के लिए GMPF ने गोवा सरकार से लगाई गुहार। कहा केंद्र सरकार से की जाए बात। कोरोना काल में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे का महत्व बढ़ा। कंपनियों ने खास दिन लॉन्च किए हाइजीन प्रोडक्ट्स।